स्वागत है साथियों आपके अपने ही चैनल मास्टर माइंड पे। साथियों मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना बता दूं, जो साथी सीटेट का तैयारी करना चाहते हैं या KBS का तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी राज्य संबंधी टेट का तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी जो है ऑफलाइन क्लासेस साथियों अशोका क्लासेस पटना में चलती है। आप जा कर के वहाँ विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पर जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वहाँ आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो मित्रों ये सूचना था आपके सीटेट टारगेट बैच से। चलिए साथियों आज का क्लास है आपका लुसेंट क्विज का, शुरू किया जाए। मित्रों चैप्टर चल रहा है धातुए, पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि धातु चैप्टर तक ने आपने उसमें पढ़ा था, उसी का कुछ अंश है जो मैं आज आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। तो मित्रों ध्यान देंगे, कह रहा है कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है देखेंगे। कहा जा रहा है कि पृथ्वी की जो है भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। भूपर्पटी में जो है मिलने वाले धातुओं में एल्युमिनियम 7%, लोहा 4% एवं कैल्शियम 3% का क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान है। यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ, प्रथम स्थान पर आपका एल्युमिनियम है जो कि 7% है, और द्वितीय स्थान पर लोहा है जो कि 4% है, और तृतीय स्थान पर आपका कैल्शियम है जो कि 3% है। आगे पढ़ना है। अब हम लोगों को खनिज, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अब अयस्क के बारे में पढ़ना है, वे अयस्क जिनसे धातुओं को सुगमता पूर्वक तथा लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। अब देखेंगे मित्रों अयस्क का जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया है। साथियों अयस्क का सांद्रण होता है, अयस्क का सांद्रण का उच्च अभिक्रियाशील धातु इसमें आती है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु आती है और निम्न अभिक्रियाशील धातु आती है। और अगर बात किया जाए मित्रों उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का, तो इसके अंतर्गत जो है गलित धातु का विद्युत अपघटन होता है, इसके बाद में जो है आपका शुद्ध धातु होता है। वहीं अगर मध्य अभिक्रियाशील धातु का बात किया जाए तो साथियों कार्बोनेट अयस्क होता है और जो है सल्फाइड अयस्क होता है। अगर कार्बोनेट अयस्क का बात किया जाए तो इसका निष्पातन होता है और सल्फाइड अयस्क का बात किया जाए तो इसका भर्जन होता है, और ये दोनों मिलकर के धातु ऑक्साइड बनाता है, और धातु ऑक्साइड क्या करता है धातु का अपघटन करता है। इसके बाद धातु का क्या होता है शोधन होता है लास्ट में जाकर के। अब देखेंगे इसका एक और पार्ट था, निम्न अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु क्या करती है सल्फाइड अयस्क बनाती है, इसके बाद उसका भर्जन होता है, भर्जन के बाद तब जो है धातु बनता है, धातु के बाद उसका क्या होता है परिष्करण होता है। मित्रों याद रखिएगा, तो ये संबंधी बात था आपको अयस्क से। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण कौन कौन चरण प्राप्त किया जाता है देखेंगे साथियों। पहला आपका है धातु कर्म, इसमें क्या होता है कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न परकर्मों को धातु कर्म कहते हैं। अब पढ़ना है गैंग, गैंग को देखेंगे, गैंग में क्या होता है कि अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। अब है पढ़ना फ्लक्स, अयस्क में मिले गैंग अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। अगला टॉपिक है धातुमल, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ धातुमल कहलाते हैं। अगला है साथियों निष्पातन, क्या होता है निष्पातन, इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्प अशुद्धियाँ दूर हो जाए, वह निष्पातन कहलाता है मित्रों। आगे पढ़ना है आपको भर्जन, रोस्टिंग जिसको बोलते हैं मित्रों, इस प्रक्रिया में धातुओं के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके सांद्रण के नीचे ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिले अशुद्ध ऑक्सीकृत हो जाए, इसे हम लोग
भर्जन कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका स्मेल्टिंग। इस प्रक्रिया में धातु कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रव्यमान से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं और जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है वो हमारा स्मेल्टिंग कहलाती है। आगे पढ़ना है सक्रियता श्रेणी। क्या होता है सक्रियता श्रेणी, इसको देखेंगे मित्रों। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, वह सक्रियता श्रेणी कहलाता है। आगे कहा जा रहा है कि कार्बोनेट जो है कार्बोनेट एस को निस्तापन द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और सल्फाइड एस को भर्जन द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। धातु ऑक्साइडों को कार्बन एल्युमिनियम अथवा विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा धातु में अपचयित किया जाता है। सोडियम पोटेशियम तथा कैल्शियम धातुओं को उनके गलित जो है क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, जबकि एल्युमिनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। आगे पढ़ना है हम लोगों को गलित लौहों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित होती है। सक्रियता श्रेणी दिया हुआ है, धातुओं को जो सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं हैं उसके बारे में बताया गया है, ध्यान देंगे। जो साथ ही सिंबल नहीं याद किए याद करते चलेंगे, पोटेशियम का के होता है, सोडियम का Na होता है, कैल्शियम का Ca होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, एल्युमिनियम का Al होता है, जस्ता का Zn होता है, लोहा का Fe होता है, सीसा का Pb होता है और हाइड्रोजन का आपका H होता है। तांबा का बताइए Cu होता है यानी कि कॉपर, पारा का Hg होता है, चांदी का Ag होता है और सोना का Au होता है। तो साथियों इसमें कहा जा रहा है कि सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील और सबसे कम अभिक्रियाशील। तो साथियों जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं घटती अभिक्रियाशील आपको दिखाया गया है और सबसे कम अभिक्रियाशील भी दिखाया गया है। अगला पढ़ना है हमको संक्षारण, देखेंगे संक्षारण क्या होता है। मित्रों धातुओं का उनकी सतह पर वायु के आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना एवं चांदी की वस्तुओं को काली हो जाना संक्षारण के उदाहरण है, याद रखिएगा। जब लोहे में जंग लग जाता है वो क्या है, संक्षारण है। तांबे की सतह पर हरे रंग की जो देखते हैं ना परत चढ़ जाता है वो क्या है, आपका संक्षारण है। एवं चांदी की वस्तुओं को काली हो जाना वो क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। हैदम यदि तुझ में तो जमाना बदल दो, अपनी पसीने की ताकत को समझो और आज से मेहनत का पैमाना बदल दो। चलिए साथियों अब आपको पढ़ना है क्या चीज, धातु और निष्कर्षण की विधि। जितना आप लोग धातु पढ़े थे उसका सिंबल दिया हुआ है और उसी के बारे में निष्कर्षण विधि भी दिया हुआ है। तो साथियों के यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या होता है, विद्युत अपघटन विधि के द्वारा होता है निष्कर्षण, इसका किया जाता है निष्कर्षण विधि। आगे आपका जिंक, लोहा, सीसा, कॉपर, इसका कार्बन के उपयोग से अपचयन होता है। सिल्वर, चांदी यानी कि गोल्ड, इसका प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित रहता है। अगला टॉपिक है लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फॉस्फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3XH2O होता है, ये ध्यान रखिएगा। जल के अणुओं की संख्या बदलती रहती है। पेंट करके, तेल लगा करके, ग्रीज लगा करके, यसत लेपन करके, क्रोमियम लेपन लग करके, एनोडीकरण या मिश्र धातु बना करके लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो साथियों लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है नोट, देखेंगे क्या कह रहा है, यसत लेपन से संबंधित नोट है। लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर
जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसत लेपन कहते हैं। जब जस्ते की पतली परत चढ़ाया जाए जिस पर, वो क्या कहलाता है? यसत लेपन कहलाता है। तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट बनाता, कॉपर कार्बोनेट का होता है। खुली हवा में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। सिल्वर का वायु में उपस्थित जो है सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। क्यों काली हो जाती है तो ध्यान रखिएगा, सिल्वर सल्फाइड की जो परत बनने के कारण काला हो जाता है। अगला है साथियों, धातु प्रदूषक। कुछ भारी धातु जल में जो है घुलकर उसे प्रदूषित करती है, जैसे कैडमियम, लेड, पारा एवं CdHg गुर्दों को नष्ट करता है। Cd यानी कि कैडमियम, HG यानी कि पारा, ये क्या करता है? गुर्दों को नष्ट करता है। लेड जो है गुर्दों, जिगर, मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। अब हम लोगों को पढ़ना है साथियों, क्या चीज़? धातुओं से संबंधित विविध तत्व। इसके अंतर बहुत बड़ा तत्व है, इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है दोस्तों? W होता है। इसका जो है गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन जो है राजस्थान स्थित देगाना खान से होता है, याद रखिएगा। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। जिरकोनियम धातु जो होता है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं, याद रखिएगा। एक ऐसा ही धातु है जिरकोनियम जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलेगा। बेडीलाइट जिरकोनियम का अयस्क है। तो साथियों, जो साथी को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे साथियों, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और साथियों, एक लाइक जरूर दीजिएगा, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। छोड़ मन की पीड़ा को, देख अपनी पीड़ा को, दूर अगर जाना है, कदमों को तेज भागाना है, सोच में समय बर्बाद न करो, बीती बातों को याद ना करो, दो चार कदम चल कर देखो, वेग खुद ब खुद बन जाएगा और तुम जहाँ से चला था वह क्षितिज बन चुका होगा। तो मित्रों, इस वीडियो को आप जरूर अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।